देश भर में नए ट्रैफिक नियम और जुर्माना दर लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 1 सितंबर से शुरू हुए इस नए नियम के तहत राजधानी रांची में कार्रवाई 3 सितंबर से शुरू हुई, क्योंकि जुर्माने की बढ़ी हुई दर रांची की ट्रैफिक पुलिस की मशीनों में अपडेट नहीं हुआ था। उधर उत्तर प्रदेश के गुड़गांव में इस नियम के तहत हुई कार्रवाई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल गुड़गांव की ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटी का 23,000 रुपये का चालान काट दिया। दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मदान किसी काम से गुड़गांव गए थे। सर्विस रोड पर उन्होंने हेलमेट उतार दिया। वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी की कागजात मांगे। कागजात ना होने की स्थिति में 23,000 रुपए का चालान काट दिया। मजे की बात यह है कि श्री मदान जो स्कूटी चला रहे थे वो काफी पुरानी थी और उसकी कीमत महज 15,000 रुपए है। वहीं दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो चालक द्वारा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के आरोप में 27,000 रुपए का चालान काट दिया, जिससे ऑटो चालक परेशान है। अब बात करते हैं सिग्नल तोड़ने पे जुर्माना। दूसरा चालान ईस्ट जेल रोड में सिग्नल तोड़ने पर सुखदेव उड़ाव का 500 रुपए का कटा है। ये चालान 1 सितंबर को ही काटा गया था, लेकिन उसे 3 सितंबर की तिथि में मशीन में एंट्री करने के बाद काटा गया है। गौरतलब है कि पहले सिग्नल तोड़ने का चालान 100 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। नए नियमों के तहत राजधानी में मंगलवार से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कटना शुरू हो गया है। इस क्रम में राजधानी में पहला चालान स्कूटी सवार एक महिला का काटा गया। महिला के पास एक तो डीएल नहीं था, दूसरे उसने अपने पीछे दो और लोगों को बैठा रखा था। महिला को ट्रैफिक पुलिस ने शाम 6:15 बजे स्टेडियम चौक पर पकड़ा। नए नियम के तहत महिला का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपये और ट्रिपल राइड के लिए 1,000 रुपये यानी कुल 6,000 रुपये का चालान काटा गया। महिला जो स्कूटी चला रही थी वो लालपुर थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड नागड़ा टोली निवासी सूरत तिर्की के नाम से है। हालांकि पहला चालान का पेमेंट अभी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मोदी नगर में। मंगलवार को मोदी नगर से 125 लोग बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए। जांच के दौरान पुलिस ने उनके वाहन को जब्त कर लिया और नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया। बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सभी को जुर्माना लगाया गया। बता दें कि जुर्माना के रूप में 1,25,000 से अधिक वसूला गया। वहीं बात करते हैं नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद की। जी हां, आपको बता दें कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तक लोगों को अपने साथ रखना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने की होड़ मच गई है। नए नियम में वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर बने प्रदूषण जांच केंद्रों पर लंबी कतार लगी हुई है। इन केंद्रों पर कई ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं जिनका पॉल्यूशन साल भर से चेक नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों में नियम को लेकर काफी डर है।